नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 1 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले यदि वर्तमान फीचर्स की बात करें तो मानसून ट्रफ लाइन फिलहाल गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पंजाब और आसपास के इलाकों के ऊपर भी एक मिडल लेवल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में ही उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो राजधानी जयपुर में बारिश रिपोर्ट हुई है। जयपुर तहसील में 173 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर यदि देखें तो 155.6 mm यानी अति भारी बारिश जयपुर सिटी में भी रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा अब यदि बात करें आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो इस सिस्टम के प्रभाव से अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान खासकर शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो वो डिस्ट्रिक्ट जो खासकर पंजाब और हरियाणा से लगते हैं यानी चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं अति भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 2-3 अगस्त से एक और नया सिस्टम बनने की संभावना है यानी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और इसके असर से आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में 3 अगस्त से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। फिर से भारी बारिश जो है वो कई स्थानों पर रिपोर्ट होने के लिए परिस्थितियां बनी हुई है। खासकर यदि देखें तो कोटा संभाग, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर संभाग के जिलों में इस सिस्टम के असर से भारी से अति भारी बारिश 3, 4 और 5 अगस्त को होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के लिए यदि बात करें तो जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इसके बाद एक बार फिर देखेंगे कि 3, 4 और 5 अगस्त को भी पश्चिमी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश होने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल है। कुल मिलाकर अभी अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में मानसून की सक्रिय रहने के लिए प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। खासकर जो निचले इलाके हैं उनमें लगातार बारिश होने से जल भराव की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा जो नदी नाले और जो बरसाती जो नदियां हैं उनके ऊपर बने पुलों पर भी पानी का फ्लो जो है वो कुछ कुछ स्थानों पर तेज हो सकता है। ऐसे में वाहन चालक कृपया करके विशेष सावधानी रखें। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग भी यदि आपके आसपास हो रही हो तो कृपया करके विशेष सावधानी रखें। पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी ना खड़े रहें जबकि सुरक्षित स्थान पर शरण लें। धन्यवाद।